आप सभी वजह श्री श्याम कैसे हैं? आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, बागा दिलाएगा आपको करोड़ों के कर्ज से मुक्ति। आज का टॉपिक है कि बागा कौन कौन सी परेशानियां दूर करेगा। बाबा श्याम का बागा कौन सी परेशानियां दूर करेगा, करता है, की है आज तक और कर सकता है। करोड़ों रुपए के कर्जे से बाबा श्याम का बागा आपको चुटकियों में आजादी दिला देगा, कर्ज से मुक्ति दिला देगा। ऐसा आप लोगों का मेरे पास सवाल आया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें बागा करेगा। सबसे पहली चीज, जिनको औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, जिनको शादी को 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल हो चुके हैं, उनको बच्चा देने का काम करता है बागा। बागा धारण करने से उस महिला को बच्चे प्राप्त होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम बागा यही करता है। दूसरा, किसी भी कारण से जो व्यक्ति 50 साल से नीचे नीचे है, उसकी किसी दुर्घटना के कारण या किसी भयानक बीमारी के कारण उसकी हालत इस समय मरने लायक हो चुकी है, जो 50 साल से नीचे है, उसकी जिंदगी बचा सकता है बागा, बचा सकता है। क्यों? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी, मन में जैसी भावना है वैसा ही काम होगा, ठीक है। अब बागा तो पहन लिया, लेकिन बागा पर विश्वास नहीं है तो वो बागा काम नहीं करेगा। तीसरी बात, जिस बीमारी का डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो बीमारी अभी तक डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आई है, लेकिन आप उसी बीमारी से पिछले 2-3 साल 5 साल 10 साल से परेशान हो, उस बीमारी से आपको निजात दिला देगा बाबा, बागा, बाबा नहीं बागा, ठीक है। छोटे बच्चे जो धारण करते हैं उनकी बुद्धि तेज कर देता है बागा, क्लियर। लेकिन रही बात कर्जे की, कोई काम नहीं करेगा। कर्जा क्यों होता है घर में, पता है आप लोगों को? आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया। क्यों? क्योंकि सभी को अपनी दुकान चलानी, मैं खुलकर बताता हूं। जिस घर में उनके पितर नहीं होते, जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, वहां गरीबी दरिद्रता आती है, वहां दरिद्रता आती है। आप दिन रात काम करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम नहीं चलेगा। आपका 95% काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 5% नहीं होगा, क्योंकि ये 5% हक पितरों के नाम होता है। 5% भगवान ने पितरों को दे रखा है। 95% काम हो जाएगा, 5% नहीं होगा। और जो 5% कमी है तो वो 100 भी नहीं है, और जो 100 नहीं है वो 0 है। जिनके घर में पितृ दोष लगा होता है, उनके घरों में कर्जा होता है, और उस कर्जे को पितरों के अलावा कोई भी मुक्त नहीं कर सकता। और अगर दुनिया में कोई कर दे तो मैं चैलेंज देता हूं, दुनिया में जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, उस घर में कभी भी भगवान का वास नहीं होता। पितरों के ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए, ए से लेकर जेड तक अभी तक चल रही है वो सीरीज। उसकी वीडियोज पूरी नहीं हुई है, चल रही है, लेकिन मैं बनाऊंगा, आप लोग देखो ना देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किसी एक प्रेमी का भी घर बचता है, किसी एक प्रेमी की जिंदगी बदल जाती है, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, समझूंगा कि ठाकुर जी ने मेरी मौज कर दी। उस वीडियो के पूरी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बागा से संबंधित सारी जानकारियां, सारी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, देखनी पड़ेगी मेरी भाई। क्यों? सर में दर्द आप लोगों के है तो दवाई आप लोगों को खानी पड़ेगी, मैं नहीं खाऊंगा और मुझे खाने से कोई फर्क भी नहीं होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं बागा पहन लेंगे, सर में दर्द हो बागा पहन लिया, कर्जा नहीं उतरता हो बागा पहन लिया, उससे शादी करवा दे, बागा पहन लिया बस उससे शादी हो जाएगी। अब तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोग बागा पहनो मत पहनो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं तो प्रार्थना करूंगा कि मत पहनना, अगर ऐसी कोई बात है तो। आप बागा लेके जाओगे, आपके कारण कोई अन्य प्रेमी जिसे जरूरत है वो रह जाएगा। भगवान जवाब लेगा इस चीज का कि किस चीज के लिए बागा लेके आया था, इस चीज के लिए। क्या ये चीज सही थी? नहीं थी। फिर क्यों लेके आया? तेरे पास कुछ जवाब नहीं होगा उस चीज का। फिर बोलते हो कि आप तो बोलते बोलते एकदम पता नहीं कहां से कहां बात घुमा देते हो। बात घुमाने की बात नहीं है। कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए हमारी, आज से पहले की कोई भी वीडियो, अगर किसी भी वीडियो में आपको लगे मैंने कहीं भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए बोला हो, शेयरिंग के लिए बोलता हूं, क्यों बोलता हूं? ताकि किसी का जीवन बदल जाए आपकी एक शेयरिंग के कारण। लेकिन हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप शेयर करोगे तो हमें व्यू जाएंगे, ऐड चलेंगी, पैसे कमाएंगे, हम करोड़पति हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, बाबा ने हमें पहले ही करोड़पति बना रखा है। बाबा ने हमें वो दे रखा है जो शायद किसी के पास नहीं है।
हमें आप लोगों का दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, हमें जो ठाकुर जी ने दे रखा है वही चाहिए, आगे भी वही देंगे, उन्होंने ऐसे कर रखा है और हमने ऐसे कर रखा है, हम किसी थर्ड पार्टी की तरफ देखते भी नहीं, सिर्फ आप लोगों तक ये बातें पहुंचाने की जिम्मेदारी ठाकुर जी ने हमें दे रखी है। अन्यथा हजारों टॉपिक हैं, फेसलेस वीडियो भी हैं मार्केट में, हम क्यों बताते कि हम कौन हैं, हमारा नंबर क्या है, हम कहाँ से हैं, क्यों बताते आप लोगों को? अब नंबर ढूंढने की कोशिश मत करना, नंबर हटा लिया हमने आप लोगों से परेशान होकर। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, मन करे तो अन्य प्रेमियों के पास शेयर कर देना। जय श्री श्याम।